सब्सक्राइब कीजिए साहिल जैन बिना मार्बल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट मार्बल की वीडियोस देखने के लिए। हेलो नमस्कार ऑल, मैं साहिल जैन, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मकराना अल्बेटा के ऊपर है, अल्बेटा स्लैब के ऊपर है जो उल्लोड़ी माइंस का स्लैब है। वो स्लैब दिखाने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं बात करता हूँ जो अल्बेटा के स्लैब आया है उल्लोड़ी माइंस के, वो मैं आपको अभी चार स्लैब है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले मैं चारों स्लैब को दिखा देता हूँ। दो पीस इनके पॉलिश किए हुए हैं, इनका मैं पॉलिश भी दिखा देता हूँ कि पॉलिश होने के बाद ये कैसा लगेगा, कैसा लुक आएगा इसका। बहुत ही लाजवाब चीज़ है और मैंने हर बार आपको बताया ही है कि अल्बेटा का ग्राउंड हमेशा वाइट होता है, बैकग्राउंड हमेशा वाइट होगा, चाहे कलर वो ब्राउन हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वाइट हो, मतलब कुछ भी हो। अब मैं इसकी लोड की खास बात बता देता हूँ कि ये सिंगल पीस देखने में और लगा हुआ देखने में बहुत डिफरेंस है। तो मकराना मार्बल तो वैसे भी जितना दिखने में अच्छा नहीं लगता उससे कहीं गुना ज़्यादा लगने के बाद ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब ये ब्लैक, ये जो आप देख रहे हो ना, इसे ब्लैक लाइंस ये, और इसमें एक चीज़ नोट करना, हल्का सा पिंकिश टोन है इस जगह, मतलब एकदम लाइट है ये। जब लगने के बाद जब इसका ब्लैक का वो फिगर बनेगा और बीच में फिर वाइट और हल्का सा पिंकिश, इतना लाजवाब चीज़ लगेगा। ये चीज़ मैंने एक यहाँ से कस्टमर को दी थी, उनका मतलब मोस्टली फ्लोरिंग रेडी हो चुका है, पॉलिश नहीं हुआ है, नहीं तो मैं आपको अभी यहाँ पे फ्लोरिंग भी दिखाता। कोई ना, मैं नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा कभी भी कोई वीडियो अगर इस टाइप का बनाना हुआ। बहुत ही बेटर चीज़ है, लगने के बाद इसका कोई मुकाबला नहीं है। और सबसे ख़ास बात क्या है कि हमेशा कुछ अल्बेटा में फिगर भी चेंज आता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरा लोड आगे से पीछे तक सेम है। ये लाइन यहाँ ब्लैक है तो देख सकते हो, ये ब्लैक लाइन पूरे कंटिन्यू ऐसी कैसी चल रही है, कोई फिगर में अप डाउन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और मैं सबको बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक देख रहे हो ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है। बहुत लोग को तो ऐसे दूर से लगता है कि ये भाई कुछ होगा, ये ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्बेटा में तो ब्लैक लाइन ही खासियत है। इसका मैं आपको सबसे पहले क्रिस्टल दिखा देता हूँ कि मतलब क्रिस्टल दिखेगा भी नहीं आपको, बहुत ही बेटर चीज़ है, फाइन क्रिस्टल है। अल्बेटा में तो सारे प्लस पॉइंट है, क्रिस्टल भी फाइन आता है और कैल्शियम भी पूरा आता है, वाइटनेस पूरी आती है, पॉलिश बहुत अच्छी आती है। अब मैं इसके साइज़ वगैरह आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, अप्रोक्स मैं बता देता हूँ आपको। वो 600 स्क्वायर फीट का लोट है, ये 1000 से 1100 स्क्वायर फीट का लोट है, ये 700 से 800 स्क्वायर फीट का लोट है, वो पास भी 300 स्क्वायर फीट का लोट है। अगर किसी को भी इस अल्बेटा उल्लोड़ी माइंस, मैं बता देता हूँ उल्लोड़ी माइंस उसको बोलते हैं, अल्बेटा की टॉपेस्ट माइंस में आती है। अल्बेटा की दो तीन माइंस बहुत, जो सबसे हाई क्लास माइंस आती है उनमें ये माल निकलता है। उल्लोड़ी माइंस में क्या होता है, ये ब्लैक रेशा तो आता है जो आता है, इसका इस पर ग्लेज मतलब इस पर पॉलिश बहुत बेटर आता है। इस पर अगर सिंपल पॉलिश भी करा लोगे तो ऐसा लगेगा बहुत अच्छी पॉलिश कराई है, बहुत अच्छी इस पर पॉलिश आती है। अगर मकराना से रिलेटेड कोई भी अगर आपको चीज़ चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम साहिल जैन है, मेरा नंबर ऊपर शो हो ही रहा है 9116113111, 911-611-311 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है और ऊपर आपको वैसे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा जो भी आपको लोकेशन वगैरह कुछ भी चाहिए। मेरा गोडाउन मकराना और किशनगढ़ के बीच में रूपनगढ़ में है, राजस्थान में है, जयपुर से 100 किलोमीटर, किशनगढ़ से 25 किलोमीटर, मकराना से 30 किलोमीटर। तो अगर किसी को भी नीड हो मकराना से रिलेटेड कोई भी क्वालिटी की तो प्लीज़ वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और यहाँ हमारी विजिट भी कर सकते हैं। विजिट करो तो बहुत अच्छी बात है, आप चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, वो ऑनलाइन ट्रस्ट के ऊपर हम माल बेचते हैं, उसकी कोई आप टेंशन मत लेना कि माल दिखाते क्या है देते क्या है, आज तक तो कोई कंप्लेन आई नहीं है ना कभी आने देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मकराना क्वालिटी किसी को चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Bina Marble Industries exclusive showroom of Makrana Marble at Kishangarh Road, Rupangarh, Ajmer.